हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एसबीआई फुटप्रिंट ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी के सामने हाजिर हूँ, जिसका साइज हम बात करें 192 स्क्वायर यार्ड में है। और प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन के साथ है, और इसका जो हम बात करें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, गेटेड सोसाइटी है, पावर बैकअप है, नियर बाई पार्क है, गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी गिर चुकी है। तो प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है, रहने लायक है। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग में आपको वीडियो के बीच में बताता हूं, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही खास है, बजट में आने वाली चीज है, एक बजट फ्लोर है। चलिए प्रॉपर्टी को जल्दी से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ जाती है हमारी लिफ्ट। लिफ्ट देखिए बहुत ही शानदार है, और लिफ्ट में अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये आपकी स्टेनलेस स्टील की स्टाइलिश लिफ्ट है, और ये हमारे फ्लोर की एंट्री आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम अपने फ्लोर पे, और लिफ्ट का जो पैनल है पूरा देखिए ग्रेनाइट का बहुत अच्छा काम हो रखा है, और यहाँ से हमारी आ जाती है फ्लोर की एंट्रेंस। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें लेआउट काफ़ी खुला खुला नज़र आता है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हमारा डाइनिंग एंड ड्राइंग दोनों ही एरिया आ जाता है, क्योंकि 192 स्क्वायर यार्ड के अंदर काफ़ी चैलेंज रहता है कि आपको अच्छे बेडरूम, अच्छे किचन, अच्छे वॉशरूम के साइजेस मिले। तो इसमें आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये केवल 192 स्क्वायर यार्ड है, क्योंकि इसके साइजेस बहुत ही अच्छे निकले हुए हैं। और आप नीचे देख रहे हैं पूरी, अगर बात करें हम नीचे फ्लोरिंग की, तो आपको कजारिया के मॉडिफाइड टाइल्स हैं, उसका लाइट सोवर कॉम्बिनेशन है। सामने फ्रंट में हमारा वॉलपेपर का काम हो रखा है, फैंस हमारे ओरिएंट के लगे हुए हैं, और सेंटर में आप देखें यहाँ पे आप अपना डाइनिंग एरिया अगर डालना चाहें तो सेंटर में आपको बहुत ही अच्छी फैंसी लाइटिंग का भी काम देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल फैंस आपको फोर सीलिंग का काम नज़र आ रहा है, ये काम भी अच्छा हो रखा है। तो जल्दी से मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। यहाँ से हमने की है एंट्री, और एंट्री के बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। इस साइड हमारी सेपरेट में किचन आ जाती है, जो कि बिल्कुल ओपन नहीं है। सेपरेट किचन बहुत ही अच्छी जगह में दे रखी है, सेपरेट है। और इस तरफ आ जाते हैं हमारे दोनों बेडरूम, दो बेडरूम ये हमारे यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा टीवी पैनल आ जाता है, सिटिंग एरिया आप यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं सोफा वगैरह लगा के। तो स्टिल दे हैव वी हैव मोर स्पेस टू वॉक इन्स और गैदरिंग के लिए। तो फ्रेंड, जल्दी से चलते हैं, देखते हैं एक बार पूरे लेआउट को। तो सबसे पहले चलते हैं किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, किचन की हम बात करें, किचन भी काफ़ी खूबसूरत आपको दिखेगी। वेंटिलेशन की मैंने बात बताई थी, क्रॉस वेंटिलेशन के साथ है, आपको फ्रंट साइड भी पूरा ओपन दिखेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन वगैरह दे रखे हैं, पीवीसी का काम, विंडो का काम काफ़ी अच्छा हो रखा है, और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सोबर दे रखी है। जस्ट हैव अ लुक इट, यहाँ पे टाइल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। स्टोरेज भी हम बात करें, पूरा वाइट कॉम्बिनेशन के साथ पूरा स्टोरेज है। यहाँ पर आपका चिमनी एंड हॉब्स आ जाता है, और ये आप नज़र, ये आप देख रहे हैं किचन के अंदर जो ग्रेनाइट का काम हुआ है काफ़ी फिनिशिंग में है। ये आपका क्वार्ट्स का स्टोन इस पर लगाया है, सेम कॉम्बिनेशन विद ग्रे। तो नीचे आपका वाइट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, और ग्रे के साथ वाइट कॉम्बिनेशन पूरा जो आ रहा है लुक, वो बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। मैं आपको ज़रा लाइटिंग वगैरह भी करके दिखाता हूँ। वैसे विदाउट लाइट भी आपको डे के अंदर भी काफ़ी अच्छी सनलाइट आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे किचन के बाद अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ। तो एंट्री पॉइंट हमारा वहाँ से था, दो बेडरूम बैक साइड है, एक बेडरूम इधर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है डोर की क्वालिटी है, जो डोर आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी स्टाइलिश डोर है। रूम साइज देखिए, आपको रूम साइज भी काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि रूम के साइज भी अच्छे निकले हुए हैं, और बजट प्राइस के अंदर ये चीज़ है। सामने जो आपको दिखाई दे रही है कि स्लाइडिंग पीवीसी के साथ डोर आ जाते हैं, जो कि हमारी फ्रंट बालकनी को एक्सेस करते हैं। यहाँ से हमारी कनेक्ट हो जाती है फ्रंट बालकनी। बालकनी की बात करें 3 और 3.5 की फीट के आसपास के इसका साइज रहेगा, जो कि विड्थ रहेगी। और यहाँ पे आपको टैप पॉइंट्स मिल जाते हैं वो यूटिलिटी, और ये हमारी बालकनी आ जाती है फ्रंट साइड। तो ये जो हमारा बेडरूम है, इसमें सामने की तरफ एंटर करने के बाद इस तरफ हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं। 2 साइड फुल लेंथ स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, और इस तरफ अटैच होता है हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम की बात करें, लाइट बेज कॉम्बिनेशन का टाइल कॉम्बिनेशन है, और आपको जगुआर की फिटिंग, और आपको वैनिटी, WC, ये सभी आपको मिलेगा इसमें देखने को। वेंटिलेशन के लिए इसमें भी एग्जॉस्ट लगा रखा है, विंडो से अटैच है।
तो फ्रेंड्स अब हम जल्दी से बैक के दोनों बेडरूम्स को कवर कर लेते हैं। सामने ये जो एरिया है, जो हम सेंटर एरिया में आ चुके हैं, ये जो सेंटर एरिया है काफ़ी सुंदर, इसमें भी काम हो रखा है टीवी पैनल का। तो अगर देखा जाए तो चॉइस आपकी सोबर की है, तो ये फ्लोर आपको पसंद आ सकता है, इसके लिए विजिट जरूर कर लें एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं बेडरूम नंबर टू की तरफ। तो ये जो हमारा आ गया बेडरूम नंबर टू, बैक साइड में वॉलपेपर का अच्छा काम है, फॉल सीलिंग का भी सुपर काम दे रखा है। यहाँ आ जाते हैं हमारे वार्डरोब। यहां से हमारा वॉशरूम कनेक्ट हो जाता है। टाइल कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस साइड हमारा शॉवर एरिया में हाइलाइटर लगा रखा है, एग्जॉस्ट ऑलरेडी फिटेड है, ऑल ओवर टाइल का काम है, सेम फिटिंग्स जगुआर आपको मिलने वाली है। और हमारा कनेक्ट हो जाता है बैक बालकनी से। तो टू साइड ओपन है ये, तो दोनों साइड से आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं मिलती है। ये हमारी बालकनी आ जाती है। जल्दी से चलते हैं बेडरूम नंबर थ्री की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर थ्री। रूम को एक बार सही देखिए। तो रूम की जो मैं बात कर रहा था कि ये 192 स्क्वायर यार्ड के अंदर भी इतना अच्छा लेआउट निकालना भी अपने आप में चैलेंज है। तो ये चैलेंज काफ़ी अच्छा दिखता हुआ पूरा हो रहा है। यहाँ पे हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं, फॉल सीलिंग का काम भी अच्छा है, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के साइज हम बात करेंगे, काफ़ी छोटी कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। साइज भी आपको 5x6 के आपको साइज मिलने वाले हैं। और टाइल कॉम्बिनेशन और फिटिंग हमारा चैनल वगैरह ये सारा ही काम अच्छा है। बैक साइड में सेम PVC का काम हो रखा है, मैश डोर के साथ है और आपका क्रॉस वेंटिलेशन के साथ है। स्टूडेंट्स गेटेड सोसाइटी के अंदर है, ग्रीनरी आपको नजर आएगी, पार्क भी आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंट्रेंस पे आपको सिक्योरिटी नजर आती है, गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी मिल चुकी है, इसमें वो सर्विस दे रही है। इसके अलावा आपको पावर बैकअप जो है 100% वो भी आपको मिलता है, और इतने अच्छे प्राइस के अंदर ये फ्लोर भी मिलता है। स्टूडेंट्स इसकी विजिट करने के लिए आप हमें दिए नंबर पर कॉल करें। प्रॉपर्टी अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक बार लाइक जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि अपडेट मिलते रहें, और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।